Hi everyone, welcome back to my channel. So today I am back again with a very important and sensitive issue, that is backup. देखिए, जब आप student होते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, obviously आप 2 साल दे चुके हैं अपनी तैयारी के, and you never know कि आगे क्या होगा. कभी कभी आप negativity में भी आते हैं कि पता नहीं हम crack कर पाएंगे exam, नहीं हो कर पाएंगे, पता नहीं, कुछ भी नहीं पता होता. ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या हमें कोई backup रखना चाहिए अपने लिए, या फिर जो हम तैयारी कर रहे हैं उसी में लगे रहना चाहिए? तो ये एक सवाल है बहुत बड़ा, और इसका आंसर भी देखिए डिपेंड करता है, सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है. क्योंकि बहुत सारे लोग को एक ही जॉब चाहिए, एक वो डेडिकेशन होता है उनके अंदर कि मुझे इसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, मुझे यही जॉब चाहिए. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर पर्सनल प्रॉब्लम हो, कि कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से वो एज सून एज जितनी जल्दी हो सके वो जॉब चाहते हैं अपने लिए. तो ऐसे में क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बार नहीं हुआ, मान लीजिए एक बार आप क्लियर नहीं कर पाए, तो अब आपको नेक्स्ट टाइम तक वेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, जब नेक्स्ट टाइम इसकी वैकेंसी आएगी, अगर आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है. लेकिन क्या जो ये बीच का टाइम है, क्या हम इसको और कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं? क्या हम इसमें ऐसा हो सकता है कि हम और किसी एग्ज़ाम के लिए ट्राई करें और फिर उसको थोड़े दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लेके फिर लॉन्ग टर्म में हम अपने गोल पर वापस आएँ? तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आज हम इसमें बात करने वाले हैं, जिसके बारे में. और आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज़ द थिंग, ये है आपकी बैकअप लिस्ट. यानी कि 9 ये जो टॉप मोस्ट एग्जाम्स हैं, अगर इसमें से आप एक ही भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अदर वाला भी दे सकते हैं, अदर 8. और इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन मैंने वो कंसिडर यहाँ पर नहीं किया है. मैंने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, और होते बहुत सारे हैं इसके अलावा भी, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स, DRDO वगैरह, MTS का जो होता है, वो सब होते हैं. लेकिन आप देख लीजिएगा उसको भी अगर आप चाहें तो. तो जैसे फर्स्ट है यहाँ पे SSC स्टेनो का एग्ज़ाम. मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि इसमें मैथ्स नहीं आती है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं. तो अगर आपने CGL की प्रिपरेशन की है या CHSL की, तो मैथ्स को हटा के आप इन तीनों के ऊपर आराम से पढ़ाई करके स्टेनो क्लियर कर सकते हैं. ओके, देन सेकेंड है MTS. अब देखिए, MTS का लेवल जो होता है वो स्टेनो के लगभग बराबर ही होता है, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होता है. लेकिन MTS की जॉब में प्रॉब्लम ये होती है कि आप लॉन्ग टर्म में ये जॉब नहीं लेना चाहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं ये जॉब लेना तो वेल एंड गुड, आप ले सकते हैं. लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप MTS की जॉब में ही बंधे रहें, क्योंकि वो बहुत ऑर्डिनरी, बहुत कॉमन सी जॉब होती है और ऐसे बहुत मतलब लो डिवीज़न की होती है. तो इस वजह से कोई इसको प्रेफर नहीं करता है. थोड़े दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भले आप ले लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इसको छोड़ ही देंगे. फिर थर्ड है CHSL. CHSL CGL का छोटा भाई है. अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो CHSL में अगर आप चले गए, फॉर एग्ज़ाम्पल CGL में अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं, लेकिन CHSL में क्या होता है कि जैसे लो डिवीज़न क्लर्क हो गए, अपर डिवीज़न क्लर्क हो गए, ये सब इसमें आ जाते हैं CHSL में. और सिलेबस इसका सेम रहता है CGL का, प्री जैसा होता है, लेकिन बस ये होता है कि थोड़ा सा लेवल कम होता है CGL से. ओके, जैसे स्टेनो और CHSL मान सकते हैं कि बराबर के लेवल के एग्ज़ाम है. देन फोर्थ है CGL, बाप है ये सबका, सारे SSC एग्ज़ाम्स का. हर कोई चाहता है कि वो CGL क्लियर करे, उसके बाद एक अच्छी रैंक के साथ ऑफिसर बने. तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तब तो फिर, मतलब अगर आप CGL की तैयारी करने के पर्पज़ से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो बाकी यहाँ पे दिए हुए हैं ये बहुत आराम से आपके क्लियर हो जाएंगे. थोड़ा बहुत मतलब 1 महीना थोड़ा सा फोकस अगर करके पढ़ेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा आपका. उसके बाद है फिफ्थ, CPO. CPO में जैसे पुलिस ऑफिसर वगैरह या BSF में जैसे जाते हैं, ITBP हो गया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये सब मतलब थोड़ा सा पुलिस लेवल की जॉब जो होती है वो CPO होती है. और इसका फुल फॉर्म यही होता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. और इसका जो लेवल होता है वो भी हम मान सकते हैं लगभग लगभग CGL के प्री के बराबर ही होता है. आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये सारे पेपर बहुत मोर और लेस बिल्कुल सेम है. इसका पहला जो प्री होता है, अभी मैं सिर्फ प्री की बात कर रही हूँ, प्री मोर और लेस एकदम सेम होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है ज़्यादा. तो अगर आप एक की तैयारी कर रहे हैं तो आप बताइए, खुद आप सोचिए, आप क्यों नहीं ये सारे फॉर्म भी भर रहे हैं? आपको जॉब लेनी है नहीं लेनी, अभी वो सब मत सोचिए. अगर फॉर्म आ रहा है तो आप उसको फिल करिए, एग्ज़ाम देने जाइए, फिर देखेंगे बाद में. क्या पता आपके पास लास्ट में कोई ऑप्शन ना बचे तो ये ऑप्शन रहे कि आपने एक एग्ज़ाम और क्लियर किया था, उसके ऊपर आप फोकस करने लगे. तो नथिंग इज़ बैड इन दिस. अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको सिर्फ जाके वहाँ पर एक पेपर देना है, तो आप ये भी मान सकते हैं कि आप एक्सपीरियंस हो जाएगा CBT आपका, क्योंकि कई बार पैनिक हो जाता है बहुत ज़्यादा जब लोग एक्चुअल में एग्ज़ाम देने जाते हैं, उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है इस बात का, कैसे होगा कैसे नहीं होगा. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं. तो आप बार बार एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे उस चीज़ के लिए, वहाँ पे जो भी होता है, जो प्रोसेस होता है उससे गुजरेंगे बार बार. तो जो आपका मेन टारगेट है, जो रियल एग्ज़ाम आपका जब होगा, तो उस टाइम आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे उस एग्ज़ाम सिचुएशन में. आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा, यू विल फील वेरी वेरी लाइट. ओके, तो ये हो गया CPO.
देन सिक्स्थ है एफ कैट. अब जिनको फ्लाइंग ऑफिसर बनना है फॉर एग्जांपल, अब उनके लिए देखिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप फ्लाइंग ऑफिसर बन जाते हैं. और सिलेबस क्या है जो आपने सीजीएल के लिए पढ़ा है, बस वही है. तो आप खुद बताइए, अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं तो आप उसका बेनिफिट इतनी जगह ले सकते हैं, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? सिर्फ एक एग्ज़ाम पे स्टिक करना ठीक नहीं है. जैसे मान लीजिए इस साल आपने एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ आपका, तो आपको पता है कि अगले साल ही इसमें वैकेंसी आएगी. ठीक है, मान लिया कि आपको वही जॉब ही चाहिए, किसी और जॉब में आप इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो एटलीस्ट ये सारे फॉर्म भरिए तो सही. आप प्रैक्टिस, पहली बात तो मैंने जो अभी आपको बताया कि आपको एक्सपीरियंस होगा, और दूसरी चीज़ क्या पता आपको आगे चल के कभी रिग्रेट हो जाएगी, मैंने काश वो वाला फॉर्म भर दिया होता, या मुझे वो अच्छा लग गया, अब अच्छा लग रहा है. तो ये सब बिल्कुल मत करिए. आप अगर 2 साल अपनी ज़िंदगी के दे रहे हैं तैयारी के, तो वो एकदम अच्छे से दीजिए ताकि कोई आपको रिग्रेट ना हो कभी भी. तो फिर ये हो गया एफ कैट का. और ये एफ कैट का एग्ज़ाम एक्चुअली 2 बार होता है पूरे साल में. एक बार तो वो मेरे ख्याल से ये जो है फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर होता है, और दूसरा वाला लास्ट के 3 मंथ्स में होता है. तो आप कोई सा भी दे सकते हैं. अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपको साल में 2 बार मौका मिलेगा इसमें बैठने का. और एफ कैट का मेन्स एग्ज़ाम कुछ भी नहीं होता है, आप बस प्री अगर क्लियर करते हैं, और इसमें इसकी कट ऑफ बहुत ईजिली क्लियर भी हो जाती है. आई एम टेलिंग यू, फॉर एग्जाम्पल आपने प्री इसका क्लियर कर लिया, उसके बाद तुरंत आपका एक इंटरव्यू प्रोसेस पूरा होता है SSB, तो उसका नाम ही होता है SSB. उसमें क्या होता है, वो तो थोड़ा सा मतलब टफ होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि स्टेनो के एग्ज़ाम में स्किल टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. उसी तरह एफ कैट में क्या है कि प्री आपका बस IQ लेवल टेस्ट करने के लिए, मेन एग्ज़ाम इसका SSB है. ओके, तो फिर उसके बाद 7th है यहाँ पे IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो. ये भी एग्ज़ाम, इसकी वैकेंसी जल्दी तो नहीं आती फिर भी, लेकिन 2-3 साल में एक बार आ जाती है. और इसका सिलेबस भी सेम रहता है. और ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना इजी पेपर था ना इस बार का, मैंने इसको दिया था, बहुत ज़्यादा इजी पेपर था IB का. मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, इतना इजी था कि मतलब जिसके 93 मार्क्स हैं 100 में, 96 मार्क्स हैं 100 में, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था. क्यों? क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई चली गई थी, 99-100 कट ऑफ, मतलब फुल मार्क्स थे कट ऑफ. बहुत ज़्यादा इजी पेपर आया था. अगर आपने एक क्वेश्चन भी कहीं से गलत कर दिया, एक मिस्टेक करी, तो आप बाहर हैं कट ऑफ के. देन 8th है यहाँ पे CDS. CDS देखिए सपना होता है बहुत सारे लोगों का, CDS में थोड़ा सा मैथ्स अच्छे लेवल की आती है. लेकिन ये है कि अगर आपने CGL की Tier 2 की प्रिपरेशन करी है, Tier 1 अच्छे से पढ़ा है, तो आप CDS भी आराम से दे सकते हैं. ओके, देन 9th है रेलवे RRB NTPC. अब ये भी सेम SSB आप मान सकते हैं SSC MTS के लेवल का होता है, ये MTS या थोड़ा सा अगर और अप लेवल चले जाएँ तो CHSL, बस इससे ज़्यादा नहीं. और इसमें आप देख सकते हैं कि इंग्लिश नहीं आती है रेलवे के एग्ज़ाम्स में. और अब देखिए ये RRB NTPC मैंने यहाँ लिखा है, इसी तरह जो ग्रुप डी होता है, ग्रुप सी होता है, ये सारे एग्ज़ाम्स का प्री बिल्कुल सेम होता है. मैं आपको बता दूँ, बहुत आसानी से आप ये सारे पेपर क्लियर कर सकते हैं. मेरा बस यही कहना है कि आप एक बार ट्राई करिए, और अगर आप फीमेल हैं तब तो बिल्कुल आप एकदम मतलब आपके लिए मस्ट है फिर ये तो फॉर्म भरना, क्योंकि आपका पैसा भी कुछ नहीं लगेगा. SSC के फॉर्म्स फीमेल के लिए फ्री होते हैं, आप सारे फॉर्म भर दीजिए. ठीक है, आपको अगर मौका मिला आप जाइए एग्ज़ाम देने, नहीं मिला कौन सा आपका नुकसान है, फॉर्म तो एटलीस्ट भर दीजिए, कुछ नहीं करना है. और SSC के फॉर्म में एक और फैसिलिटी होती है कि अगर आपने एक बार SSC का एग्ज़ाम भर दिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप भरेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे इनरोल होता है, तो वो आपको पूरा प्रोसेस फिर से नहीं करना पड़ेगा. फोटो लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, अपलोड करना है थंब इंप्रेशन, और पूरा डिटेल भरिए, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा. बस एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको आप डालेंगे तो आपकी डिटेल्स अपने आप खुल जाएंगी. उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं जो फिर से आपको अपडेट करनी पड़ती हैं, और बस दैट्स इट, आपका फॉर्म भर गया. तो आप एटलीस्ट फॉर्म तो भर सकते हैं, फ्री का फॉर्म है, अब इससे ज़्यादा क्या आपको दी जाए बताइए कन्वीनियंस. फ्री का फॉर्म है, एटलीस्ट फॉर्म भरिए, और अगर आपको मौका मिले तो आप प्लीज़ जाइए इन एग्ज़ाम्स को देने. कोई भी एग्ज़ाम हो ये मत सोचिए छोटा है बड़ा है मेरे लेवल का है नहीं है, देने जाइए एटलीस्ट, आपको बहुत एक्सपीरियंस होगा इससे. अब देखिए मैंने यहाँ जो लास्ट सेक्शन में ये यस नो लिखा है, ये मेरा है, ये मैंने मतलब कौन से एग्ज़ाम दिए और क्या क्या किया, ये उसका थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है यहाँ पे SSC स्टेनो, तो ये मैंने दिया भी था, मेरा क्लियर हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यस लिखा हुआ है. देन MTS भी मैंने दिया था, ये भी क्लियर हो गया. ओके, माय मिस्टेक. यहाँ पे फिर से देखते हैं मेरी प्रोफाइल. तो फर्स्ट एग्ज़ाम था यहाँ पे SSC स्टेनो, जो मैंने ऑब्वियसली क्लियर किया हुआ है. सेकेंड था CHSL, ये मैंने एग्ज़ाम दिया था लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो यहाँ इसलिए मैंने नो लिखा हुआ है. देन CGL, ये मैंने दिया था, मेरा क्लियर था, येस. CBO मैंने कभी नहीं दिया, तो यहाँ पे इसलिए ब्लैंक है. फिर एफ कैट मैंने दिया था, एफ कैट का प्री ऑब्वियसली मेरा क्लियर हो गया था, येस लिखा है इसलिए. इंटेलिजेंस ब्यूरो मैंने दिया था, लेकिन मेरे मार्क्स जैसे मैंने आपको बताया कि कट ऑफ बहुत हाई थी, और एक दो मिस्टेक की वजह से रह गया था मेरा, नहीं हुआ था फिर उसमें, जबकि मार्क्स मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन फिर भी उसमें नहीं हो पाया था. ये मेरा बहुत ऑनेस्ट रिव्यू है, जो जो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ SSC से रिलेटेड. ओके,
देन MTS भी मैंने दिया था लेकिन मैं उसका कभी भी मेंस नहीं देने गई क्योंकि मुझे वो जॉब नहीं लेनी थी। देन CDS नहीं दिया था कभी, नहीं हाँ CDS नहीं दिया था कभी। देन RRB NTPC ये तो पेंडिंग चल रहा है, आप जानते ही हैं कि अभी तक इसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। फॉर्म तो भरवा लिया था पता नहीं कितने साल पहले, अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसकी कोई अपडेट भी नहीं है, तो ये पेंडिंग है अभी। तो ये छोटा सा मेरा प्रोफाइल है SSC एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि मैंने सारी जॉब ले ली, सबको 10-10 जॉब करनी है, 10 लेनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो आपको स्पेशल एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करने वाला है। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू दिस। सो ये हो गई छोटी सी बात जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और लास्ट में बस मेरी एक ही एडवाइस है कि आप कभी भी डीमोटिवेट मत होइए। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, बहुत आपको हेल्प करने वाला है। बस आपको ज़रूरत है थोड़ी आसपास भी देखने की, नज़र रखने की। आप एक एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन आप बाकी एग्ज़ाम्स भी देंगी तो उसमें आपका कोई लॉस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उस एग्ज़ाम को छोड़ देंगे, प्रायोरिटी आप वही रखिए अपनी, लेकिन बाकी के एग्ज़ाम्स भी दीजिए। आपको एक्सपीरियंस गेन होगा और वो एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करेगा आगे चल के। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, ओके। और इसके अलावा अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में बैंक की तरफ स्विच कर लेते हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट कि आपको मैं ये भी हेल्प कर सकूँ कि आप अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बैंक की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं या फिर क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आपने GS पार्ट ऑब्वियसली काफ़ी सारा पढ़ा है तो प्लीज़ यूटिलाइज दैट। बहुत सारे एग्जाम्स में GS पूछी जाती है और GS बहुत आसानी से याद भी नहीं होती है, आई नो दैट, क्योंकि मैंने भी पढ़ी है GS। बहुत मुश्किल से आप याद कर पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं, उसके बाद फिर वो कहीं यूज़ नहीं आएगा तो ऑब्वियसली बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। लेकिन आपके पास मौके हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लीज़ यूटिलाइज ऑल ऑफ देम, ओके। सो विद दिस पॉजिटिव नोट आई एम हियर वाइंडिंग अप द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड इफ़ यू नीड एनी टाइप ऑफ हेल्प रिलेटेड टू SSC एग्जाम्स, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर आप मुझे बताएंगे तो ऑब्वियसली आई कैन हेल्प यू, आई कैन अश्योर यू। Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. We'll meet in the next video.